दोस्तों ये एक्सेस 125 सीसी है, एक्सेस 125 सीसी न्यू मॉडल। इसमें देखो मीटर में दिखा रहा है रिमाइंडर सर्विस रिमाइंडर ऑयल चेंज। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गाड़ी की चाबी ऑफ कर देनी है, और जैसे ही हम चाबी ऑफ कर देंगे, देखो हमने चाबी ऑफ कर दिया, तो हमें ये बटन दबाना है ऊपर का जो हमें मीटर मशीन का बटन है, ये हमने दबाना है और दबा के रखना है, और दबा के रखते हुए ही हमने चाबी ऑन करनी है। ये देखो हमने चाबी ऑन कर दी है। तो दोस्तों हमने जो चाबी ऑन करी है तो हमें बटन दबा के जब तक रखना है जब तक इसमें ऑयल चेंज के नहीं दिखाना शुरू बंद हो जाए। देखो दोस्तों ये बिल्कुल दिखा नहीं रहा है बिल्कुल भी आपके सामने। अब हमें बटन हटा देना है और चाबी ऑफ करके फिर चेक कर लेना है कहीं ये दोबारा दिखा तो नहीं रहा है। हमने चाबी ऑफ कर दी है, अब दोबारा ऑन कर रहे हैं। दोस्तों हमने ऑन करी है, अब ये नहीं दिखा रहा होगा। देखो बिल्कुल हट गया ये। तो दोस्तों सर्विस रिमाइंडर इसी तरीके से बिल्कुल सुजुकी एक्सेस 125 न्यू मॉडल में हटा सकते हो आप। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, आप इसमें ट्रिप मीटर जो होता है वो भी हटा सकते हो। आपको सबसे पहले बटन दो बार दबाना है, ये देखो दो बार दबाने के बाद इसमें ट्रिप आ जाएगा, अभी किलोमीटर है, उसके बाद आप दबाओगे तो सिंगल बार दबाओगे ट्रिप आ जाएगा, फिर दूसरी बार दबाओगे बी आ जाएगा। तो ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों को ट्रिप ए पे करोगे तो बटन दबा के रखना जीरो आ जाएगा, फिर ट्रिप बी पे करना तो बटन दबा के रखना जीरो आ जाएगा, और फिर आप दोबारा बटन दबा के किलोमीटर पे कर सकते हो। ये सर्विस के टाइम कर देना ठीक रहता है, इससे पता लग जाता है कस्टमर को कि हाँ मेरी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि क्या पसंद आया आपको इसमें।